बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत एक फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गई हैं। कंगना मुंबई में अपनी अपकमिंग फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना हैदराबाद में तलवारबाजी का एक फाइटिंग सीन शूट कर रही थी, तभी उनकी आंख के ऊपर तलवार लग गई। यूनिट के एक सदस्य ने बताया कि कंगना को तुरंत हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें वहां आईसीयू में रखा गया है। कंगना के सिर पर 12 टाके आए हैं। उन्हें कुछ दिन और अस्पताल में रखा जाएगा। फिल्म के प्रोड्यूसर कमल जैन ने बताया कि इस फाइटिंग सीन की कई बार रिहर्सल की गई थी, लेकिन फाइनल शूट के दौरान टाइमिंग कुछ गलत हो गई। दरअसल सीन में निहार पंड्या को अटैक करना था और कंगना को इससे बचना था, लेकिन वे वक्त पर झुक नहीं पाई और तलवार उनके माथे पर लग गई। वहीं कंगना का मानना है कि फिल्म में वो चोट के निशान को नहीं छिपाएंगी, क्योंकि वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में हैं और लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी, इसलिए उन्हें भी यह निशान दिखाने में कोई संकोच नहीं है। हालांकि फिल्म पूरी होने के बाद कंगना कॉस्मेटिक सर्जरी करवा सकती हैं।